अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रविन्द्र कुमार ने ई गवर्नेंस के माध्यम से समयावधि में आवेदनों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए हिदायत दी कि आवेदनों का प्रत्येक दशा में समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समयावधि के बाद के लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे गोवर्धन राधाकुंड राया व वृंदावन निकायों के अधिशासी अधिकारियों और ब्लॉक क्षेत्रों में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कारण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के समयावधि के उपरांत के लंबित प्रकरणों और जिला पंचायत राज अधिकारी के बैठक में उपस्थित न रहने पर सभी अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी यहां कलेक्ट्रेट सभागार में ई गवर्नेंस के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्रों के निस्तारण कार्य की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने समाज कल्याण के वृद्ध विधवा पेंशन पुत्री शादी एवं बीमारी अनुदान योजना के लंबित प्रकरणों को भी समयबद्ध रूप से निस्तारण के आदेश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के विकलांग प्रमाण पत्र का कोई मामला लंबित न होने की सराहना भी की। उन्होंने आधार कार्ड के शिविरों के माध्यम से कार्य में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि यदि टीम कार्य में शिथिलता बरते तो उसकी तत्काल रिपोर्ट दें। साथ ही कहा कि जो टीम काम नहीं करेगी उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। प्रशिक्षु आईएएस अनुनय झा, सभी तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, निकायों के अधिशासी अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे। आज ई गवर्नेंस और आधार कार्ड फीडिंग की मीटिंग ली गई, जिसमें जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी, नगर पंचायतों के ईओ, तहसीलदार सब उपस्थित थे। इसमें एक तो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और 0 से 5 इन बच्चों का जो आधार कार्ड के कैंप लगाए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा की गई। आधार कार्ड कैंप पिछले एक हफ्ते से अच्छी खासी प्रगति है और सभी अधिकारियों ने आश्वासन किया कि 31 जनवरी तक ये जो प्रोग्राम है इसके अनुसार हम लगभग 100% आधार कार्ड बनवा लेंगे। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन प्रमाण पत्रों की समीक्षा की गई। एक एक दो दो प्रकरण जो समय सीमा के बाहर पाए गए, इनमें सभी तहसीलदार, सभी एसडीएम को निर्देश कर दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी प्रमाण पत्र बन जाए। विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण पत्र जो गलत वेबसाइट पर जा चुके हैं, सभी एडीओ पंचायत को, सभी ईओस को निर्देशित कर दिया गया है कि उन प्रमाणपत्रों, उन प्रार्थना पत्रों को रिजेक्ट करके उन लोगों को नई वेबसाइट जहां पर आवेदन करने हैं वहां उनको अवगत करा दिया जाए कि वो नई वेबसाइट पर अपने आवेदन कर दें। सर, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई वगैरह कुछ उपस्थित अधिकारियों के खिलाफ जिनको लेटर गया था, जिन्हें फोन गया था और वो मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए या जिनके द्वारा जानबूझकर के कार्य नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।